अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों बैकग्राउंड देख के बहुत सारे लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये जंजीरा फोर्ट है, और आज हम खड़े हैं इमाद भाई के माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट बकरे के साथ, और इसके बारे में हम पूरा जानकारी लेंगे इमाद भाई से। अस्सलाम वालेकुम इमाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। मत भाई बताइए हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, बहुत सारे लोग तो जानते होंगे लेकिन जो बाहर के व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ये हम लोग अभी प्रॉपर राजपुरी में हैं। हाँ, जो मुरूड जंजीरा में आता है, जो जंजीरा फोर्ट के नाम से फेमस है। जी, भी फोर्ट मुरूड में नहीं है, फोर्ट है राजपुरी में। हाँ, और ये फोर्ट है पीछे अपने। हाँ माशाल्लाह, और यही पे अपना घर भी है, अपना गाँव ही यही है। हाँ वही, और बता दूँ कि इमाद भाई और मैं एक ही गाँव में रहते हैं जी, तो इसलिए हम लोग आधी रात को उठ के वीडियो बना सकते हैं। बिल्कुल। और हिम्मत भाई बताइए हम लोग क्या बता रहे हैं आज आप? ये अपना कोटा है। हाँ, इसका नाम सिकंदर है, 37 प्लस की हाइट पे है, 75-76 केजी अपन बता रहे हैं। हाँ, अभी ऊपर रहेगा 80 प्लस भी रह सकता है। अच्छा, और ये पूरा रेस लुक वाला है। हाँ रेस लुक, एक्चुअली मेरा एक दोस्त है 2018 में आया था। हाँ, सेम लुक रहता है, सेम लुक। हमारा एक दोस्त है जवाद भाई, वो तो मतलब इसको रेस ही बोलते हैं। जब भी मिलते हैं तो पूछते हैं रईस कैसा है। हाँ, तो पूरा उसी नाम से बोलते हैं। हाँ, और माशाल्लाह इसका लुक देखिए, लेंस देखिए दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी लंबी चलने वाली है, थोड़ा सा बात भी करेंगे हम इमाद भाई से, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो बात कर सकता है। इमाद भाई बताइए, आप ही बस है इस वीडियो में अभी जी? बताइए अभी आपके इस बकरे के बारे में कैसा, क्या हिस्ट्री है इसकी? ये बकरा अपने पास आया था एक्चुअली पिछले साल ईद के पहले आया था सेल के लिए। हाँ, लेकिन बिका नहीं था इसीलिए कि बकरा एक ही दांत पे था जी, वो कुर्बानी नहीं हो सकती थी। हाँ, तो बकरा सेल नहीं हुआ था। अच्छा, तीन बार अपन फिर परचेज किए थे इसको। हाँ, उसके बाद से ऑलमोस्ट अभी 10 महीने हो गए, 10 महीने से बकरा मेरे पास है। और तब बकरा आया था, तब 34 की हाइट पे था और हाँ, दूसरा दांत इस लगा रहा था। ओके, 44-45 केजी पे था। अल्हम्दुलिल्लाह बकरे ने रिस्पांस बहुत अच्छा दिया, फीड वीड भी अच्छा उठाता है। और आज 75 प्लस पे है बकरा। okay, और अभी छट्टा दांत कर रहा है, फ्रेश छट्टा दांत कर रहा है। मतलब पल्टी के लिए तो 100% चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बोन साइज और उसका सीना देखो ना, उसकी लटक देखो, उसकी लेंथ है। हाँ, मैंने वो सारी चीज़ें लिया है वीडियो में, मैं वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसका जो सीना वगैरह है और उसकी चमड़ी भी आप देख सकते हैं बहुत ही लूज है। और ये बकरा कैसा अपने इधर सेल्फ फिट पे चला जाएगा 100 पे। हाँ, लेकिन ये जब भी अगर भराई पे जाएगा ना 100 पे, तो इसका पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा जी वाकई में। इसकी हाइट क्या बताए? इसकी 37 है, 37 प्लस है, 37। ओके, और वज़न का तो खैर आप, अभी हमने जितने भी बकरे आपके शूट किए हैं वो जो अपने वेट बताए हैं वो एवरेज 5 केजी ज़्यादा ही वेट निकले आपके सारे बकरे जी। बिल्कुल, वो एक ख़ास बात है कि आप जो वेट बताते हैं उससे ज़्यादा ही निकलते हैं। भी कैसा जो लेता है उसके भी नसीब रहते हैं कि कैसा मिलता है उसको। हाँ हाँ, और कुछ अरे एक एक्चुअली सवाल था कि कुछ लोग जैसा भी अपने यहाँ के एरिया के जो नए बकरे लाते हैं तो अभी कभी बीमार वगैरह पड़ते हैं तो डॉक्टर्स के साथ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको कॉल करते हैं, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? और क्या ऐसा है कि मैं तो विजिट करता हूँ, मेरे चार्जेस डॉक्टर्स जो लेते हैं उससे ज़्यादा है। हाँ, क्लियर बताता हूँ क्योंकि मैं मेडिसिन बाहर से लेता हूँ। हाँ, तो मुझे भी जमना चाहिए। बराबर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने एरिया में जितने भी बड़े बकरे जो बीमार हो चुके थे, हाँ, और मोस्टली 6 या 7 बकरे पैरालाइज के थे। हाँ, उसमें से अपने खुद के 3 बकरे भी थे। ओके, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बकरे अपने भी उठ गए, और 4 बकरे जो बाहर ट्रीटमेंट किए थे सभी बकरे आज सही है और इंशाल्लाह कुर्बानी होगी उनकी। उसमें अपना और एक बकरा है जो इंशाल्लाह अपन ईद के एक दिन पहले शूट करेंगे, जो कुर्बानी का है, कुर्बानी का पैरालाइज का ही था। हाँ, नहीं, और एक बार बता दूं कि इमाद भाई डॉक्टर नहीं है, आप लोग डॉक्टर से ही कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर रिस्पांस नहीं देते हैं तो आप एक सलाह के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इमाद भाई से, वरना बोलेंगे इमाद भाई आए थे इंजेक्शन मारे ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो चीज़ का ख्याल रखें क्योंकि इमाद भाई डॉक्टर नहीं है, लेकिन हाँ जो एक्सपीरियंस है वो डॉक्टर से कहीं ज़्यादा है। तो आप लोग अगर प्रेफर कीजिए डॉक्टर को ही, अगर आप चाहते हैं कि इमाद भाई आए इमीडिएट, तो आप लोग इमाद भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली मेडिसिन फ्री में नहीं आती है, तो उसके तो चार्जेस लगते ही है, और मैंने खुद देखा है उनके मेडिसिन वगैरह,
जी, और यहाँ पे अपने जो अभी बकरे अपन ट्रीटमेंट किए हुए हैं तो वो शायद बकरों के वीडियो आपके चैनल पे बनने वाले, तो वो लोग खुद आपको बताएंगे, जो चैनल पे आएंगे वो खुद बताएंगे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था और रिजल्ट क्या है आज। जिससे मेरी बात हो गई ना, जिसका बकरा अपन ट्रीटमेंट किए थे, वो तो खुद बोला, भाई बोले मुझे बकरा सेल नहीं करना है, लेकिन आपके ट्रीटमेंट करने के बाद जो रिजल्ट मिला है, रिस्पांस मिला है, उसके लिए सिर्फ बकरा शूट होगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में? नहीं, अभी जो चीज है आपके सामने है। तो मैं कहूंगा कि अगर लास्ट टाइम हम लोग लास्ट वीक भी बना चुके थे सोजत के साथ, लेकिन बकरा उसमें एक्चुअली क्लियर नजर नहीं आ रहा था। एक्चुअली सोजत के लिए परेशान कर रहा था इससे ज्यादा। जी बिल्कुल, बकरा नजर नहीं आ रहा था। जिसने रात को वीडियो देखी और नेक्स्ट डे बकरा लाइव आके देखे तो चीज अलग दिख रही थी, इसलिए अपन सोचे कि फिर से एक बार वीडियो बनाएंगे इसका। नहीं, वो तो लग ही रहा है माशाल्लाह। और यहाँ पे एक्चुअली राजपुरी में पता नहीं राजपुर का पानी अच्छा लगता है या हवा अच्छी लगती है, यहाँ आके एकदम अलग ही रंग दिखाते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली अपने यहाँ पे कैसा रहता है, अपन साल भर है ना फार्म पे किसी को लेते नहीं है, कोई आता नहीं है अपने यहाँ पे, तो अपन किसी को एंट्री नहीं देते है वहाँ पे, और जब टाइम आता है और जब बकरा बिकता है तो ही अपने फार्म से बाहर निकलता है। हाँ वही, और अपन फिर तब घर पे लेके आते हैं, तब तक बकरा अपने घर पे भी नहीं आता है, वही पे रहता है, कभी बाहर निकले हुए नहीं रहते, कभी आदमी देखे नहीं रहते, जो अपने लोग है तीन चार लोग हम लोग वहाँ पे रहते हैं उन्हीं की आदत रहती है, इसलिए बकरा यहाँ बाहर आने के बाद पूरा अलग दिखता है। जी जी, और माशाल्लाह दिख ही रहा है उसका जो चीज है। और कोकन में 20 इंच कान का कोटा है, ऐसी अफवाह फैल रही है मार्केट में। ये है तो वो भी जल्दी आएगा इंशाल्लाह। वो बहुत से लोग को मालूम नहीं है किसके पास है क्या है, लेकिन वो बच्चा मेरे पास ऑलमोस्ट 27-28 महीने से बच्चा है मेरे पास, जब वो 1.5 महीने का बच्चा था तब से पाल रहे लोग। आज बोल रहे कि 17 इंच कान में कोटा देखो, अपने पास अलहमदुल्ला 20 इंच में है और 17 इंच का कोटा अपना बिक भी चुका है जनवरी में ही। जो बकता वगैरह अपन डाले थे अपने पास का ही बकरा था, पर अभी है इंशाल्लाह 20 इंच कान में कोटा है, जो अपन आज तक कभी फोटो नहीं डाले उसका, जो आज तक अपन कभी फोटो नहीं डाले, तो इंशाल्लाह वो भी दिखाएगी अपन जल्दी। इससे पहले भी अपने कुछ बकरे इसके पहले यही साल में बड़े बकरे बिक चुके थे, जो मेरे क्लोज थे वो लोग बताए, भाई बकरे दो मत ये सब, क्योंकि आपके पास शो के लिए कुछ रहेगा नहीं ईद में, क्योंकि अपन शो के लिए ईद में घर के पास लेके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो बकरे अपन शो के हिसाब से रखे थे वो बकरे अपने बिक भी गए, और कुछ बकरे ऐसे जो अपन दिखाए नहीं, और इंशाल्लाह दो बकरे उसमें ऐसे रह गए जो एकदम टॉप के रह गए। नहीं, वो तो उसका जो मैंने कुछ नहीं बोलेंगे, मैंने खुद लाइव देखा है उसका, तो कोई जब बकरे अपने घर पे आएगा इंशाल्लाह तभी जो लोग बोलेंगे अपन सुनेंगे, बस ऐसा नहीं कि हेवी वेट है या ऐसा कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बकरों के लिए वेट मैटर ही नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अपने पास बकरे रहते हैं, देखो आज ये जो भी कोटा है 75 ATKG पे, मेरे पास 60 किलो का भी कोटा है, अगर वो भी बाजू में बांधू ना तो लोग दोनों बकरों को देखेंगे, ऐसा नहीं कि एक को ही देखेंगे, और अपने यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे पलाई के लिए। अभी जगह का ऐसा होता था कि अपने पास जितनी जगह थी 24-25 बकरों की, तो अपने शौक के हिसाब से कम पड़ रही थी, तो इंशाल्लाह अभी न्यू सेटअप अपन बनाए है अपन उसमें पलाई का भी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ये जो पीछे जो बाग दिख रहा है ना, ये ग्रीनरी है पूरा, यही पे सेटअप रहेगा इंशाल्लाह पलाई का, और भी इनका मुरूड में भी सेटअप है। और जिसको भी रिजल्ट देखना है ना, आप वीडियो पे आके मत देखो, आप लाइव आके देखो, यहाँ के जो लोकल्स है ना, आप लाइव आके रिजल्ट देखो बकरों का कैसा है। अगर फार्म पे नहीं आ सकते तो ईद के 2 दिन पहले सभी बकरे अपने घर के पास आते हैं, वहाँ पे 8-10 बकरे रह गए इंशाल्लाह, आप रिजल्ट देखो उसके बाद डिसाइड करें। और एक बात मैंने नोटिस किया है कि कोई रहते हैं कस्टमर ऐसे आपके जो 1000-2000 के लिए 14 कैंसिल कर देते हैं लेकिन बाद में पछता लेते फिर वो चीज़ के लिए? नहीं भाई, होता है बहुत बार हो चुका है। ये मेरे ख्याल से आपके इस साल के 10 बकरों में शायद ऐसा हुआ है, कम से कम शायद 10 ऐसे 14 बकरे अपने बिक चुके हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, जो अच्छे रेट में बिके। नहीं नहीं, जो ये 1-2 हज़ार के लिए सौदा ये हुआ बाद में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 10 बकरों में। बकरों ने रिजल्ट ऐसा दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि बकरे जो रेट अपन बताए थे, जो वेट बताए थे, उससे आज 5-8 किलो ऊपर ही चढ़ रहे।
मैं तो ऐसा भी जो वेट रहता है उससे 5 किलो कम ही बताता हूँ कि सामने वाला सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन वो बकरे मेरे हिसाब से 5 किलो है, लेकिन वो बकरे अल्हम्दुलिल्लाह 9-10 किलो के ऊपर ही चल रहे हैं। हाँ, वही अभी जो अभी हमने कल आपका वीडियो था उसमें एक बोर था, उसकी बात ले लो। जी बिल्कुल, वो कुछ पैसे के लिए रुक गया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखो जिसको चीज़ पसंद आती है वो छोड़ता नहीं है। कोई भी। और ऐसा नहीं है कि अपन अच्छी चीज़ लेके आते हैं और फिर मेहनत करते हैं, वैसा कुछ नहीं है। अपने को जो चीज़ पसंद आती है अपन वही चीज़ उठाते हैं, अपने को मालूम अपनी मेहनत से क्या बनने वाला है और बाकी नसीब की बात है। वो तो अपन वो सब सोचते नहीं रहते हैं, अपने को पसंद आ जाता है अपन उठा लेते हैं। तो दोस्तों जो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो हिम्मत भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर इनका व्हाट्सअप पे भी अवेलेबल है। अगर कॉल नहीं लग रहा है या किसी कारण कॉल नहीं उठा रहे तो आप उन्हें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के उन्हें व्हाट्सअप कीजिए, तो जैसे ही वो फ्री होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। और रेट का ऐसा है कि रेट इतना हाई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पास के जितने बड़े बकरे थे जो 80+ और 90 के आसपास के थे अल्हम्दुलिल्लाह बकरे अपने सभी बिक चुके हैं, सभी बकरे बिक चुके हैं। जो अपन डिटेल्स बताए थे बकरे उसी डिटेल्स के ऊपर निकले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाई रेट नहीं रहेगा, जिसको समझेगा भाई वो लेगा इंशाल्लाह, रिस्पांस देगा। नहीं तो ऐसी भी चीज़ अपनी रहने ही वाली है। ठीक है, चलो हम लोग ये वीडियो यही पे एंड करते हैं।